बिहार में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों के लिए रेड और 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर में रेड अलर्ट, रोहतास, पटना और अरवल के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य में गर्मी की संभावना जताई गई है। दक्षिण पूर्व के एक या दो जगहों पर गर्म हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। निषेध, क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर जताया गया है? बिल्कुल अलीम जी, देखिए अभी अगले एक दो दिनों तक फिलहाल पटना समेत बिहार के अलग अलग जिले के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। लगातार भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इन सब के बीच मौसम विभाग समय समय पर लोगों के लिए एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर रहा है। और आज के लिए जो अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट बिहार के 7 जिले के लिए किया है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और पटना और अरवल शामिल है। वहीं ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें बांका, समस्तीपुर, जमुई, गया, सारण, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली जिले हैं। कई ऐसे भी जिले हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में एक या दो स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। मौसम विभाग इस बात को कह रहा है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, लोगों को भी सावधान बरतने की अपील कर रहा है। अगर नगर निगम की बात करें तो आम लोगों के लिए नगर निगम भी कई व्यवस्थाएं कर रहा है, चाहे जगह जगह पानी के जो टंकी है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जो आम लोग हैं इस भीषण गर्मी में अगर बाहर निकलते हैं तो उनको पानी की समस्याएं ना हो, पानी उनको फ्री में मिल सके। और कहीं ना कहीं लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं तो वो एहतियात के तौर पर सुरक्षाएं बरत रहे हैं, छाता लेकर चल रहे हैं, गमछा लेकर चल रहे हैं। ज्यादातर लोग दोपहर के वक्त धूप में नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हवा भी चल रहा है दोपहर के वक्त, तो उसमें उमस देखा जा रहा है, गर्मी काफी ज्यादा है। तो अभी अगले 2-3 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। निषेध, क्या मानसून या प्री मानसून की बारिश को लेकर भी कोई संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अंदाजा मौसम विभाग ये जता रहा है कि 15 या 16 तारीख से जो बरसात है उसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों पर जो बरसात है उसकी आशंका 15 तारीख से मौसम विभाग जता रहा है और इस बात को कह रहा है कि उस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कहीं ना कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात जब होता है तो उस दौरान थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। और निश्चित तौर पे जब मानसून आएगा, बरसात होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी हद तक राहत मिलेगी क्योंकि अभी ना तो बरसात हो रहा है और गर्मी काफी ज्यादा है। जो गर्मी में तापमान है उसमें लगातार कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर रांची से है।